हे व्हाट्स अप एवरीवन, तो आज तुम लोगों का स्वागत है कौन है सोलो रैंक पुश गेम प्ले के अंदर। एंड आज के वीडियो में आपको दो गेम प्ले बताऊंगा, दोनों में ही सर्वर फ्रीज हुआ था और दोनों में ही टॉप 10 किया मैंने। देखो तुम बस कैसे टॉप 10 आए, एक अच्छा खासा प्लस लिया मैंने। अब देखो मैं भी जोन के बाहर ही उतरा था तुम्हारी तरह, बट बीच में पता नहीं क्यों हैकर ने पिंग ठीक कर दिया एंड मैं आ गया जोन के अंदर एंड मैंने एज होल्ड कर लिया। देखो सेंटर पे सारे बंदे जाते तो भसड़ मच जाती यार, मर गया मैं दो तीन बार। तो अब मैं सेंटर नहीं जा रहा, मैं एज होल्ड कर लेता हूँ, जब भी जोन बनता है वो पिंग ठीक करता है और मैं घुस जाता हूँ जोन में। अब यार देखो इस चेक पे आने के बाद मेरा पिंग फिर से हाई हो गया क्योंकि जोन क्लोजिंग हो रहा था और बंदे ने कर दिया पिंग हाई, क्योंकि बंदे नहीं मरेंगे तो उसे कैसे चलेगा। देखो अब मैंने एज होल्ड की थी एंड जोन मेरे पे ही बना, भाई किस्मत कह सकते हो तुम लोग इसे। एंड यहाँ पर देख सकते हो तुम लोग हमारा पिंग हाई जाते हुए। अब यार इस टाइम पे पिंग 700-800 ही रह रहा था, मतलब कि तुम एटलीस्ट थोड़ी बहुत मूवमेंट कर सकते हो, उस टाइप का पिंग था। तो मैंने सोचा जोन के अंदर निकलते, क्या पता अगर इसने पिंग ठीक की, नहीं तो मैं निकलने लगा जोन के अंदर, तुम बस देखो। अब यार मैंने थोड़ी देर होल्ड किया, उसके बाद में जैसे ही टाइम हुआ मैं जोन के अंदर निकलने लगा, बट ये पिंग मुझे निकलने ही नहीं दे रहा था। अब गाइस किस्मत का मारा मुझे बिना बगी के ही जाना पड़ा, क्योंकि बगी उठाना चाहता तो मैं जोन से ही मर जाता, तो मैं पैदल निकल गया। अब देखो पीछे से जोन भी आ रहा था, तुम लोग देख सकते हो टाइमिंग खत्म होने वाली है, तो मैं जल्दी से, मेरे को यूँ था यार वो वाला पत्थर ले लेता हूँ, वैसे ही कोई मार तो पाएगा नहीं। देखो बस तुम अब जोन से कितने बंदे मरने वाले हैं। और भाई साहब दोनों गेम प्ले में कौन था हैकर जो सर्वर फ्रीज कर रहा था, दोनों के नाम और आईडी बताऊंगा आपको, आप चाहे तो रिपोर्ट भी कर सकते हो यार। अब यार देखो जोन मेरे पास बनता ही जा रहा था, मेरे बिल्कुल पास में था जोन एंड यहाँ पर देखो गाइस तुम लोग जोन से कितने बंदे मर रहे, बस देखते जाओ तुम लोग। और भाई साहब तुम लोग देख सकते हो कितने बंदे मर गए। अब यार देखो मैं बस पिंग ठीक होने का वेट कर रहा था क्योंकि जोन में हैकर भी नहीं था, तो यार मैं बस वेट कर रहा था जैसे तैसे कि पिंग ठीक हो जाए। अब यार देखो यहाँ पर लगने वाली चांदी, यहाँ पर होने वाला पिंग ठीक है, मैं सामने वाला कंपाउंड होल्ड करना चाहता था। ये देखो किलफीड में नाम आया, यही बंदा हैकर है जो हेड से मार रहा बार बार, उस पर एमबोर्ड भी है, फ्रीजिंग हैक भी है, ईएसपी भी है, सब है उस पर। पर फिर भी भाई साहब क्या मतलब उस कौन के रह का भाई जो तुम ये फ्रीज हैक वगैरह करके कर रहे हो। अब यार यहाँ पर पिंग हो गया ठीक है, मैं गया उन वाले घरों को होल्ड करने के लिए, बट वहाँ पर पहले से दो बंदे थे जो कि आपस में फाइट ले रहे थे यार, तो मैंने ये वाला पत्थर होल्ड करना सही समझा यार। भाई जैसे ही सर्वर आया भसड़ मच गई चारों तरफ। अब यार यहाँ पर मैं उस बगी वाले को मार सकता था, बट पता नहीं क्यों मैंने क्यों नहीं मारा यार, मुझे नहीं पता। अब यार देर हो ही गई थी तो अब वो बच गया एंड उसने बोला शेक भी होल्ड कर लिया, यानी कि पूरे कंपाउंड होल्ड थे एंड यहीं पर हैकर आने वाला है यार, यहीं पर हैकर आएगा, तुम बस देखते जाओ। अब गाइस यहाँ पर पिंग फिर से हाई हो जाता है, तुम बस देखते जाओ, पिंग हाई हो गया एंड मैं कवर में था फिर भी मुझे डैमेज पड़ा एंड देखो बस। अब यार मैं हील लगाने की फुल ट्राई कर रहा था बट लग नहीं रही थी हील, एंड में जाके मुझे लगानी पड़ी बैंडेज क्योंकि यार फर्स्ट एड तो लग ही नहीं रही थी। अब यार देखो यहाँ पर तुम बस देखते जाओ क्या मेरा नेट का ग्लिच होता है, वो बंदा मुझे कैसे मारता, बस देखते जाओ तुम लोग। मतलब कि यार क्या बोलूँ मैं यार इन हैकर्स को यार, इसने पिंग हाई कर दिया, अभी यहाँ पर भी उसने थोड़ी देर पिंग हाई रखा फिर कर दिया नॉर्मल एंड बस देखो ये बंदा कैसे भसड़ मचाता है यहाँ पर। अब गाइस पता नहीं ये हैकर कहाँ से प्रकट हुआ और इसने सबको मारना शुरू कर दिया, देखो बस तुम देखते जाओ कितनों को मारेगा ये। भाई साहब तुम्हें दिख एक खेल रहा है बट ध्यान से देखो वो नौ किल है। अब यार बढ़ जाते हैं अपने सेकंड गेम प्ले की तरफ, तो ये वाले गेम प्ले में यार देखो प्लस तो हो रहा है मेरा भी फ्रीजिंग हैक की वजह से, बट यार माइनस भी हुआ कल मेरा, वो मैं तुम्हें कल वाली वीडियो में बताऊंगा, देखते जाना बस यार क्या ही माइनस लगा है, बहुत बुरा लगा उस टाइम पे, बस तुम कल देखना यार। ऐसी बात नहीं यार मेरा भी प्लस ही हो रहा है उसकी वजह से, ऐसा नहीं है यार मैं भी यहाँ पर माइनस खा रहा हूँ प्लस खा रहा हूँ माइनस खा रहा हूँ प्लस खा रहा हूँ, ऐसे ही चल रहा है मेरा भी, पता नहीं होगी या नहीं होगी रैंक पुशिंग।
अबे देखो यहाँ पर भी सर्वर फ्रीज हो गया था एंड मैंने जल्दी से जोन में आ गया था जब पिंग ठीक हुआ, क्योंकि यार देखो जब भी पिंग ठीक होता है वहीं एक मौका होता है तुम्हारे पास 2-3 मिनट का, उसके अंदर अगर तुमने जोन पकड़ दिया मतलब तुम बच जाओगे, और नहीं पकड़ पाए तो मतलब समझ लो बाकी बोट वगैरह से भी काम हो सकता है तुम्हारा। अब यार यहाँ पर बहुत देर होल्ड किया बट यार फिर जोन यहाँ से हट गया था, मुझे लगा वो अंदर पिंग ठीक नहीं करेगा, बट जैसे ही मैं बगी में बैठा अचानक से पिंग आ गया एंड देखो बस तुम। अब यार मैंने जाके जल्दी से जोन होल्ड कर लिया एंड एज होल्ड की इस बार भी मैंने, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता था कि मैं मर जाऊँ सेंटर में, क्योंकि यार सेंटर में बहुत बसड़ होती है। अब यार यहाँ पर मुझे आया बगी का साउंड, देखो पिंग हाई है बट इतना भी नहीं 800 है, जिसके अंदर थोड़ी बहुत मूवमेंट हो जाती है। अब यार बस तुम टाइमिंग देखना पिंग कब ठीक होता है। अब यार जैसे ही मैंने बंदे पे शॉट लिया पिंग ठीक हो गया एंड वो बंदा मर गया, तुम बस देख सकते हो यार किल फिट चालू होगी क्योंकि यार बंदों ने मारना शुरू कर दिया जैसे ही पिंग ठीक हुआ। मैंने इसे लूटने की नाकाम कोशिश की, बहुत कोशिश की, बट आधे घंटे के बाद मैं उसे लूट पाया एंड उसके बाद मैं जोन में आके ये वाली पोजिशन होल्ड कर लिया यार। अब यार इस वाली पोजीशन पे मैंने बहुत देर होल्ड किया तभी सामने की तरफ दो बंदे आ जाते हैं, वो आपस में करने लगते हैं फाइट। अब यार जैसे ही एक बंदा मरा मैंने सोच लिया वो वाली पोजीशन तो मुझे लेनी है, क्योंकि वहाँ पर एक अच्छी रिज थी स्टारों तरफ से कवर था यार, तो मैं सोचा वही चलते हैं। अब यार मेरा आने का मतलब था ये वाला पत्थर बट सामने ही मुझे बंदा दिख गया। अब भाई साहब को भी निपटा दिया एंड इजी देखना यहाँ इस मैच में तो टॉप 5 करेंगे अपन यार। यहाँ पर मैंने बहुत देर सर्वाइव किया जैसे तैसे एंड बस देखो अब यही था वो फ्रीजिंग हैकर, इस पर भी एम्बोर्ड था, ESP भी था एंड सब कुछ था एंड एक प्यारा सा हेडशॉट स्मोक के आर पार एंड बस यही था वीडियो। बाकी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखो यार रिपोर्ट कर सकते हो तुम, मैंने दोनों की आइडिया बता दिए, तुम चाहो तो रिपोर्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।